नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए एक जघन्य हत्याकांड में एक ही परिवार के चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि परिवार की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किए जाने की भी बात सामने आई है। सभी लोगों के शव गुरुवार सुबह घर पर ही मिले। ये परिवार दलित समुदाय से संबंध रखता है। मरने वालों में नाबालिग लड़की के साथ ही 10 साल का लड़का भी है। लड़की का शव घर के अंदर मिला, जबकि बाकी लोगों के शव आंगन में मिले। मृतकों के परिजनों ने एक पड़ोसी परिवार पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है, जो कि सवर्ण समुदाय से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने मामले में हत्या और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसमें 11 लोगों को नामजद किया गया है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन इस बीच नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के साथ सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी MPI के अनुसार बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। इसके बाद मध्य प्रदेश मेघालय का स्थान आता है। सबसे कम गरीब वाले राज्यों में केरल, गोवा और पंजाब जैसे राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले BSP प्रमुख मायावती को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायक दल के नेता गुड्डू जमाली ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। एक और विधायक वंदना सिंह ने भी BJP का हाथ थाम लिया है। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी ताकत मानी जाने वाली BSP के पास आज उंगलियों में गिनने लायक ही विधायक बचे हैं। जमाली को 3 महीने पहले ही विधायक दल का नेता बनाया गया था और उन्हें मायावती का करीबी भी माना जाता था, लेकिन उनके भी पार्टी छोड़ देने से सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों एक के बाद एक नेता BSP को छोड़कर जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में लालजी वर्मा, राम अचल राजभर जैसे बड़े नेताओं ने भी पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है। ये दोनों ही मायावती के करीबी नेताओं में शुमार थे। दोनों नेता अखिलेश यादव के साथ चले गए। ओडिशा में बीजू जनता दल को BJP और कांग्रेस के एक अप्रत्याशित गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों पार्टियां BJD पर अन्नों से हमले करने के लिए एकजुट हो गई। दरअसल बुधवार को पुरी में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के काफिले पर BJP समर्थकों द्वारा अंडे फेंकने के बाद कांग्रेस समर्थकों ने भी गुरुवार को भुवनेश्वर के पास बीजद सांसद अपराजिता सारंगी पर इसी तरह हमला किया। बेरोजगारी और महंगाई का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनमालीपुर में अपराजिता सारंगी को काले झंडे दिखाए और उनके वाहन पर अंडे फेंके। तो वहीं BJP और BJD के बीच बालासोर में नए रेलवे स्टेशन भवन के शिलान्यास के दौरान श्रेय को लेकर बवाल हो गया। दक्षिण अफ्रीका में खतरनाक नए वेरिएंट के मामले सामने आने पर ब्रिटेन के बाद अब जर्मनी और इटली ने भी वहां की अपनी उड़ानें शुक्रवार रात से रद्द करने की घोषणा की है। अब यूरोपीय यूनियन दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में आया नया वेरिएंट मूल कोरोना वायरस से बेहद अलग है और कोरोना के टीके मूल कोरोना वायरस पर ही आधारित हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि इस नए वेरिएंट पर वैक्सीन शायद उतनी प्रभावी ना हो। इधर नए वेरिएंट के हालात का आकलन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बैठक होने की उम्मीद है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने कहा कि इसका म्यूटेशन बेहद असामान्य है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वेरिएंट में पाए गए म्यूटेंट बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया से बचने में मदद कर सकते हैं और इसे और अधिक संक्रामक बना सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के इस नए वेरिएंट की जानकारी मिलने के बाद भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि उन 3 देशों से आने वाले या उनसे होकर गुजरने वाले यात्रियों का कड़ाई से जांच की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि भारत में लोगों को बूस्टर डोज उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही है, जबकि दुनिया के दीगर मुल्कों में इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार बूस्टर डोज को लेकर प्रस्तावित रोल आउट उसके सामने रखे। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वो इस बारे में उसे अपना स्टैंड बताए। जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस बात पर गौर किया कि बूस्टर डोज को लेकर मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसे लेकर मेडिकल ओपिनियन भी अलग अलग हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि देश में कई लोग, विशेषकर बुजुर्ग, जानना चाहते हैं कि कोरोना के दोनों डोज लगाने के बाद क्या बूस्टर डोज को लगाना भी जरूरी होगा और इसकी इजाजत कब दी जाएगी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस संघी ने डॉक्टर्स के एक वर्ग की चिंता की और ध्यान दिलाया, इस वर्ग की चिंता है कि अगर बूस्टर डोज नहीं लगाई जाती है तो हालात फिर से खराब हो सकते हैं। उन्होंने एक डॉक्टर के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि अगर आप अभी बूस्टर डोज नहीं देते हैं तो जो किया है सब पर पानी फिर जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार सोमवार से शुरू होने जा रहे इस संसद के शीत सत्र में बैंकिंग कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक लाने जा रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ये विधेयक इस सत्र में ही पेश किया जाना है। मौजूदा कानून के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51% है, लेकिन अब इसमें संशोधन कर इसकी हिस्सेदारी कम की जाएगी। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान कहा था कि सरकार दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करेगी। संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं शामिल होने पर पीएम मोदी ने हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, परिवार के लिए पार्टी, परिवार के द्वारा पार्टी, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है? अगर एक पार्टी कई पीढ़ियों तक एक परिवार द्वारा चलाई जाती है तो यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मोदी ने कहा कि संविधान की भावना भी आहत हुई है, संविधान का हर वर्ग भी आहत हुआ है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो देते हैं। मोदी ने कहा कि जो दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि न्याय व अधिकार सबके लिए एक समान होने चाहिए ताकि संविधान सिर्फ कागज ना बन जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राहुल ने लोगों को देश के संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। आज किसान आंदोलन के पूरे एक साल पूरे हो चुके हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे हैं। इस दौरान सिंघू बॉर्डर और बाकी किसानों के धरना स्थलों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसान आंदोलन का एक साल किसानों के अडिग सत्याग्रह, 700 किसानों की शहादत और निर्मम भाजपा सरकार के अहंकार व अन्नदाताओं पर अत्याचार के लिए जाना जाएगा, लेकिन भारत में किसान की जय जयकार हमेशा थी, है और रहेगी। किसानों के संघर्ष की जीत इसका प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अब नोटिस जारी कर दिया है। रिटायरमेंट के ठीक 4 दिन पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाए जाने के खिलाफ एक एनजीओ ने याचिका दायर की है। इस मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी, एक जो केंद्र सरकार के द्वारा अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ है और दूसरी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जिसमें हाईकोर्ट ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ चुनौती को खारिज कर दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए और उसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाए। बता दें, राकेश अस्थाना के रिटायरमेंट के ठीक पहले उनको दिल्ली का पुलिस आयुक्त बना देने को नियमों के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट की आशंकाओं के बीच आज शेयर बाजार एक बार फिर औंधे मुंह गिरा। आज सेंसेक्स 687 अंक गिरकर बंद हुआ और निफ्टी 509 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स पर इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी इंडिया, टाटा स्टील, एनटीपीसी, बजाज फाइनेंस, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, टाइटन कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़े टूटने वाले शेयरों में रहे, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और नेस्ले इंडिया बढ़त में रहे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।